गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स ऑलरेडी 6:35 मॉर्निंग का टाइम है। आप देखो, मैं अपनी बालकनी से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। सनराइज़ हो रहा है, आप देख सकते हो कि सनराइज़ हो रहा है। एक्चुअली मैं अभी जमशेदपुर में हूँ एंड मुझे कुछ काम से एक्चुअली यहाँ आना पड़ा, जिसकी वजह से अभी मैं फ़िलहाल जमशेदपुर में हूँ और ये मेरी बालकनी से व्यू आपको दिखा रही हूँ अपनी सोसाइटी का। ये सामने सारी जो भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, ये हमारी सोसाइटी का ही है। एंड मैं टॉप फ्लोर में रहती हूँ, जिससे आप पूरा जमशेदपुर आसानी से देख सकते हो। आप देखो बाहर का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, सनराइज़ भी हो रहा है और यहाँ से हमारी बालकनी से आप सनराइज़ देख सकते हो, सनसेट देख सकते हो। एक्चुअली जहाँ भी मैं रहती हूँ ना, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिल ही जाती है, वहाँ से मुझे सनराइज़ नज़र आता है। एंड ये देखो कितना खूबसूरत वाला व्यू नज़र आ रहा है। ये नीचे का गार्डन एरिया है, आप यहाँ पे वॉक कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट भी सारे दे रखे हैं एंड बहुत ही खूबसूरत वाला व्यू आप देख सकते हो। ये खेलने के लिए है, बच्चों के लिए है। एंड ये बाहर का व्यू, ये हमारी सोसाइटी से बाहर का व्यू है। टॉप फ्लोर में रहती हो ना, तो सारा सब कुछ नज़र आता है। एंड ये संडे का दिन था, जहाँ मैं हॉलीडे था, तो हमें बाहर ही हमने सोचा बाहर ही ब्रेकफास्ट कर ले, तो सब हम सारे रेडी होकर बाहर निकल चुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। एंड जब भी जमशेदपुर में जब आती हूँ ना, तो यहाँ मेरा कुछ एक हो जाता है ना सबका, जब आप रहते हो तो एक फेवरेट प्लेस हो जाता है। तो आज ये है हमारा फेवरेट पॉइंट, ब्रेकफास्ट पॉइंट। यहाँ देखो चने भटूरे मिल रहे हैं और ये काफ़ी फेमस है और ये इतने कम प्राइस में। एक्चुअली ये जो प्लेट देख रहे हो कितना यम लग रहा है, ये आपको 30 रुपीज़ में, एक्चुअली इन्होंने अभी थोड़े पैसे बढ़ा दिए, पहले मैं जब आती थी ना तो 25 रुपीज़ में ही प्लेट मिल जाता था। और इतना टेस्टी और यम होता है ना, कि मुझे बड़े बड़े होटल वगैरह में भी चने भटूरे खाते ना, मुझे वो टेस्ट नहीं आता जो कि यहाँ आता है। मैं जब भी आती हूँ, जब भी रहती हूँ ना, तो यहाँ पर तो ज़रूर आती हूँ और चने भटूरे का मज़ा लेती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। अभी जब कभी भी आओ तो आप यहाँ से आकर ज़रूर खाना। एंड ये एक्चुअली सांची में है एंड बहुत ही पॉपुलर है। आप देखोगे यहाँ सुबह से दोपहर तक भीड़ लगी रहती है। एंड देन ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है हमारा जूस पीने का। और ये देखो, ये है गन्ने का जूस। एक्चुअली कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ होते हैं, सेलेक्टेड शॉप्स होते हैं, जहाँ हम जाके इंजॉय करना चाहते हो, फूड लेते हो। यहाँ पे मैं हमेशा जब भी आती हूँ, तो ये गन्ने का जूस ये भैया बनाते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है, नियम रहता है, फ्रेश लगता है। ये देखो मैं इंजॉय कर रही हूँ मस्त, काफ़ी दिनों के बाद एक्चुअली जमशेदपुर आई हूँ ना, तो ये इंजॉय करना तो बनता है, काफ़ी फ्रेश लगता है। मॉर्निंग के टाइम में जूसेस वगैरह मस्त वाली फीलिंग आती है। हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया, दो दो ग्लास हमने भर भर के पी ली है। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, स्पेशल जमशेदपुर स्पेशल ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे एंड गन्ने का जूस, शुगर केन जूस गन्ने का जूस ही बोलते हैं उसको, गन्ना का जूस, शुगर केन इंग्लिश। अब आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है, जिसका कुछ खबर नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहूंगी मैं। तो गैस, जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है एंड नाउ अब थोड़ा कुछ शॉपिंग हो जाए, तो हम थोड़ी शॉपिंग के लिए निकल गए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को थोड़ी रिक्वायरमेंट थी, उन्हें शॉर्ट्स वगैरह की, वो लाना भूल गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास ना काफ़ी लिमिटेड सामान है, कुछ ही टाइम के लिए आए हैं, तो सामान भी लिमिटेड है हमारे पास, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। तो उन्होंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह लेने का प्लान बनाया, सो बस वही लेने के लिए हम जा रहे हैं। ये एक्चुअली साक्षी का मार्केट है, आप देखोगे मॉर्निंग का वक्त है, सो अभी सारे सेट ही हो रहे हैं। कुछ शॉप्स खुल चुके हैं बट कुछ अभी सेट ही हो रहे हैं। एंड ये है V2, हमें जाना है इसके नेक्स्ट वाला, तो यहाँ से हम शॉपिंग कर लेते हैं। एंड V2 है, यहाँ पर काफ़ी सारे मॉल्स आपको कोलकाता बाज़ार, वी मार्ट, बहुत सारे, ये देखो बाजू में वी मार्ट है एंड काफ़ी सारे यहाँ पर। ये तो बाहर का मार्केट है, कभी मैं दूसरे, और ये देखो आपको रोड में मिल जाएंगे स्टॉल्स लगाए हुए, ज्वेलरीज वगैरह, यहाँ से भी मैंने शॉपिंग की थी। तो बस हम अंदर आ चुके हैं जेंट्स सेक्शन में। एक्चुअली हमारे हस्बैंड की शॉपिंग करनी थी, तो हम जेंट्स सेक्शन से ही सारा सब कुछ करने वाले हैं। एंड काफ़ी अच्छा खासा इनके पास कलेक्शन है एंड काफ़ी अफोर्डेबल
रिजनेबल प्राइस में था, तो उन्होंने अपना शॉपिंग कर लिया है एंड सारे हम बस इधर हमने भी कुछ ले लिया था। एक्चुअली घर में कंफर्ट के कंफर्टेबल डेली वेयर के हिसाब से कंफर्ट काफ़ी होता है, तो मैं घर पे कभी कभी हस्बैंड की टी शर्ट ली रही, तो हमने भी अपने लिए एक दो चॉइस चूज़ कर लिया था एंड दैट्स इट। एंड बाहर भी मैंने शॉपिंग किया था, तो आज हॉलीडे है तो जमकर इसका फ़ायदा उठाया जाए। मज़े आ रहे थे हम सबको, तो काफ़ी बाहर खाया पिया घूमा और ये सारा सब कुछ हो चुका है एंड बिलिंग काउंटर में बिलिंग हो रही है एंड इसके बाद हम बाहर निकलेंगे। एंड तो काफ़ी दिन काफ़ी मस्ती भरा रहा, काफ़ी इन्जॉय किया हमने एंड साथ में इन्होंने हमें एक गिफ्ट भी दिया था, हमारे परचेज में इन्होंने एक गिफ्ट भी दिया था जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा था। ये आप देखो स्ट्रीट शॉपिंग है, काफ़ी सारे बहुत सारे होते हैं जो लगा कर बाहर में ठेले वगैरह स्टॉल लगा कर रखते हैं। आप देखो यहाँ पर गोलगप्पे का हमने भी मज़ा लिया था, काफ़ी कुछ खाया पिया मज़ा किया, काफ़ी दूसरे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। ये साक्षी एक्चुअली यहाँ बहुत बड़ा मार्केट होता है, ये तो बाहर से है, एक अंदर का मार्केट होता है वो मैं दिखाऊंगी वो आपको कभी। वहाँ पर आप जो चीज़ चाहोगे वो आपको मिलेगा, बहुत बड़ा सा मार्केट होता है एंड ये भी काफ़ी बड़ा। और ये देखो मैंने पार्क, अब तो शॉपिंग हो गई खाना पीना हो गया, अब ये आप देखो जमशेदपुर की कुछ फेवरेट प्लेसेस दिखा रही हूँ मैं साक्षी से, जो आप मज़ा लूटो, आप मज़े लो इन सारी। आप देखोगे कितनी ग्रीनरी है यहाँ, रोड्स कितने क्लीन है एंड बहुत सारे विजिटिंग साइट्स है। आप जहाँ आप जमशेदपुर जब भी आओ तो यहाँ ज़रूर आना साक्षी में, मैं दिखा रही हूँ अभी, तो आप इंजॉय करो व्यूज इंजॉय करो। और जो भी आज मैंने शॉपिंग वगैरह की है ना वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जा रहा था, तो उसे मैंने दूसरे में कंटिन्यू कर रखा है, तो आप ये व्यूज इंजॉय करो। और यहाँ से हमें वापस रिटर्न होना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है, तो हमें बैक लेना पड़ा। और यहाँ जू वगैरह है, लेक वगैरह है, आप देखो यहाँ पर सारे दिए हुए मूर्तियाँ पर जू भी है, तो इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो जू वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। और ये पार्क है, जुबली पार्क है, जो कि अभी तो बच्चे हैं तो सारे, बट आप इतने ऐसे में भी आप काफ़ी ग्रीनरी देखोगे, रोड देखो कितना क्लीन है, काफ़ी खूबसूरत सा सिटी है, आपको जब भी आओगे तो आपको मज़ा बहुत आएगा यहाँ। और ये जो साइड रोड्स में बने रहते हैं ना, ये ड्राइंग वगैरह पिक्चर्स वगैरह मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे, बहुत ही खूबसूरत वाली पेंटिंग होती है। आप देखो कितने हमारे आर्टिस्ट कितने ये होते हैं, रिच होते हैं अपने आर्ट में, उन्होंने कितने अच्छे से पेंट किया जिससे कि आपकी जो सिटी की जो ब्यूटी होती है और इन्हेंस होती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई रियली लव जमशेदपुर। आप देखो और ये है स्पोर्ट्स क्लब, स्टेडियम है यहाँ। एक छोटी सी जमशेदपुर की मैंने झलक दिखाई है, पर ये बहुत ही छोटी सी झलक है एंड अगर आप मैं कभी और कभी मौका मिलेगा तो मैं और भी दिखाऊंगी दूसरी जगहों की भी। ये तो बस साक्षी से है, पर बहुत छोटी सी झलक है, जब मैं जब रिटर्न हो रही थी ना तो ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो आप देखो इसे इंजॉय करो, काफ़ी क्लीन हो गया पहले से भी, सिटी काफ़ी क्लीन है, बहुत ही खूबसूरत है एंड ग्रीनरी तो बस देखते ही बनता है। तो हमने फुल डे काफ़ी इंजॉय किया है यहाँ और ये रोड साइड्स में।
बस हमारा हो गया ये आज का, आज की जो हॉलीडे थी कंप्लीट हो गई। ये रोड साइड पे देखो टेरिस वगैरह इतने सारे लटके, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। एंड बस अब हम रिटर्न हो रहे हैं घर की ओर, रिटर्न हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो इसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी वो दूसरे ब्लॉग में आएगा। एंड वहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है एंड मुझे क्या गिफ्ट में मिला है एक्चुअली। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये हमारी बिल्डिंग का में हम इंटर हो चुके हैं हमारे अपार्टमेंट में। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड चैनल पर नए हो तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में एक्चुअली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।